Assalamualaikum boys and girls, welcome back. और आज जिस गाड़ी का रिव्यू मैं आपके लिए लेके आया हूँ, that is something a very very Toyota's car and a Toyota's beast. Basically आज जो गाड़ी है वो है Toyota Land Cruiser Prado. 2012 का मॉडल है, but facelifted है to 2014 या 2013 मॉडल में. 2013 में फेसलिफ्ट आया था लैंड क्रूजर के अंदर, जिसके अंदर अगली पिछली थोड़ी सी लाइट्स चेंज हुई थी और ग्रिल चेंज हुई थी, बॉडी किट वगैरह थोड़ी सी चेंज हुई थी. इस गाड़ी का डिटेल रिव्यू करते हैं, आपको सारी इसकी डिटेल्स बताता हूं एंड देन फिर इसकी प्राइस की तरफ भी चलते हैं. दिस कार इज अप फॉर सेल और प्राइस के लिए स्टे ट्यून्ड. सो लेट्स फर्स्ट मूव ऑन टू द इंटीरियर ऑफ दिस कार. ये गाड़ी की हमारे पास की है, इसको हम कर देते हैं लॉक, क्योंकि गाड़ी के अंदर आता है स्मार्ट एंट्री सिस्टम. अब हम इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे बाई डूइंग दिस स्मार्ट एंट्री सिस्टम से. हमने इसे अनलॉक किया, गाड़ी की चाबी मेरी जेब में है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द कार. हेयर इज द इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन. लेट्स प्रेस द ब्रेक पेडल एंड स्टार्ट द कार. हेयर इज द स्टार्टअप ऑफ दिस कार. गाड़ी के स्टेयरिंग व्हील की तरफ देखते चले तो मेरे पास वुडन स्टेयरिंग व्हील है. काफी प्रीमियम फील देता है नीचे भी और ऊपर भी. यहाँ पे मेरे पास मल्टीमीडिया के कंट्रोल मौजूद है, यहाँ से हम मल्टीमीडिया को सिलेक्ट कर सकते हैं. इस साइड पे हमारे पास इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बटन मौजूद है, इसे हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं. और ऑटो ट्रिप मीटर को हम यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी और ऑडोमीटर को. इस गाड़ी के अंदर हमारे पास रडार के फीचर्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं. बेसिकली दिस इज फॉर रडार सिस्टम. साथ साथ हमारे पास क्रूज कंट्रोल भी मौजूद है. यहाँ पे अगर देखते चलें तो वुडन की ट्रिम काफी अच्छी फील देती है. यहाँ पे देखते चलें तो हमारे पास ऑल ऑटो पावर विंडोज मौजूद है. यहाँ पे हमारे पास साइड रिट्रेक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स, आप इसे इंटरनली रिट्रैक्ट कर सकते हैं. इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, फॉग लाइट्स के बड़े बटन दिया गया है, स्टीयर विंडशील्ड को लॉक अनलॉक या उसको ऑन ऑफ करने के लिए. उसके साथ साथ हमारे पास हेडलाइट लेवलिंग सिस्टम भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है. उसके साथ साथ अगर स्पीडोमीटर की तरफ देखते चले, ऑप्टिट्रॉन स्पीडोमीटर है हमारे पास 180 की स्पीड तक लिमिटेड. यहाँ पे हमारे पास हमारी फ्यूल गेज मौजूद है, इस साइड पे हमारा आरपीएम मीटर और उसके साथ साथ सेंटर में हमारे पास 4.5 इंच की एमआईडी आती है, जो कि आपको आउटसाइड टेम्परेचर बता रही है. उसके साथ साथ आपको आपकी व्हील्स बता रही है कि इस टाइम आप फोर व्हील में है या टू व्हील में है. उसके साथ साथ आपको आपकी रेंज बता रही है, 5.6 किलोमीटर पर लीटर की है फिलहाल एवरेज दे रही है, इंस्टेंट एवरेज बता रही है. उसके साथ साथ अब अगर हम सेंटर कंसोल की तरफ आते चले तो इस गाड़ी के अंदर जो सेंटर कंसोल है, दिस इज समहाउ अ वेरी फ्लैट डिजाइन सेंटर कंसोल. ऊपर हमारे पास दो एसी वेंट्स मौजूद है, उसके अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं सिल्वर की आउटलाइंस मौजूद है. सेंटर में अगर देखते चले तो दिस कार कम्स विद एन आफ्टर मार्केट टेस्ला स्टाइल स्क्रीन, जिसके अंदर हमारे पास हमारा स्पीडोमीटर भी है. इसके साथ साथ आपका आरपीएम मीटर, रियल टाइम आरपीएम मीटर जो कि ओबीडी के साथ कनेक्टेड होता है, वो भी मौजूद है. हमारे पास हमारा डुअल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर मौजूद है. यहाँ पे ऑटो का फीचर है, उसको ऑटो भी कर सकते हैं. ऑटो करने के साथ ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना शुरू हो जाता है. हमें जरा आवाज कम रखनी है तो हम एसी को जरा स्लो रखेंगे. उसके साथ साथ नीचे देखते चले तो हमारे पास हमारा टू व्हील और फोर व्हील में इंगेज करने के लिए H4 और HL4 के हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे मौजूद है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है. नीचे हमारे पास यहाँ पे दो कप होल्डर्स मौजूद है. उसके साथ साथ अगर नीचे देखते चले तो यहाँ पे हमारे पास वही वुडन की ट्रिम और हमारी फोर स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मौजूद है. रिवर्स कैमरा इज हेयर. हमारे पास अडाप्टिव गाइडलाइंस भी मौजूद हैं, जैसे जैसे मैं स्टीयरिंग को मूव करता हूँ गाड़ी की जो लाइंस है रिवर्स कैमरा की वो भी मूव करती हैं. उसके साथ साथ अगर देखते चले हमारी कन्वेंशनल हैंड ब्रेक मौजूद है. यहाँ पे 12 वॉट की पावर सॉकेट, बहुत ह्यूज किस्म में बहुत ही ज्यादा लेदराइट हमारे पास सेंटर कंसोल है, ग्लव बॉक्स है जिसको कह सकते हैं. ऊपर थोड़ी सी स्पेस है. उसके बाद अगर हम इसको उठाएं तो हमारे पास नीचे हमारा कूल बॉक्स मौजूद है. इसके अंदर हमारे पास यहाँ से एसी की वही ठंडी हवा आती है, जिससे कि आपकी जो ड्रिंक्स हैं वो कूल रह सकती हैं. उसके साथ साथ अगर हम ग्लव बॉक्स में देखते चलें तो ग्लव बॉक्स में काफ़ी डिसेंट साइज स्पेस मौजूद है. ऊपर आते चलें तो यहाँ पर हमारे पास ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता, बट हेयर इज़ द नॉन ऑटो डिमिंग या मैनुअल डिमिंग मिरर मौजूद है. इस साइड पे अगर हम हमारे वैनिटी मिरर्स में देखते चलें तो फिलामेंट रीडिंग लैंप्स भी मौजूद है और ऑटोमेटिक है, बटन शटन वाला सीन नहीं है. यहाँ पे हमारे पास एलईडी लाइट्स दी गई हैं, जिसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं. ये भी हमारे पास टच कंट्रोल मौजूद है. यहाँ पे इसको आप सन ग्लास होल्डर समझ रहे होंगे, बट दिस इज नॉट अ सन ग्लास होल्डर. ये बेसिकली हमारे पास कन्वर्सेशन मिरर है. ये आपको पिछले पूरी गाड़ी का व्यू देता है. अगर मैं स्लाइड को बंद करूँ सो नाउ यू कैन सी कि आपको पूरी गाड़ी नजर आ रही है कि पीछे कौन कौन बैठा है. सो यू कैन कन्वर्सेट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो भी गाड़ी में आपके साथ बैठे हुए हैं. उसके साथ साथ अगर हम देखते चले तो हमारे पास हमारी सनरूफ के कंट्रोल इस जगह पे मौजूद हैं, जिसको हम हमारी सनरूफ को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. यहाँ से आप इसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं. यहाँ से आपने अगर इसे ओपन करना है सो नाउ यू कैन ओपन द सनरूफ विद द वन टच बटन. वन टच बटन से ये गाड़ी का सनरूफ जो है पूरी ओपन हो जाती है.
एंड अगेन वन टच से ये कम्प्लीटली बंद भी हो जाती है। उसके साथ साथ एक और फीचर मैं अगर आपको दिखाता चलूं, जो कि TX में बेसिकली ऑप्शनल होता है, ये एम्बियंट लाइट्स हैं जो कि TX में एज सच स्टैंडर्ड नहीं होती, ऑप्शनल होती हैं। आप इसको ऑप्शनल कुछ गाड़ियों में, कुछ TX में आपको ये एम्बियंट लाइट्स मिलेंगी जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मौजूद है और चारों दरवाजों में ये आपके साथ मौजूद है। गाड़ी के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते चलें, सो यू गाइस हैव यहाँ पे हमारे पास 8 एयर बैग्स मौजूद हैं, एक ड्राइवर साइड पे, पैसेंजर साइड पे, फ्रंट ए पिलर्स में कर्टन एयर बैग, सीट्स के अंदर एयर बैग, सी पिलर्स में एयर बैग, सो यू हैव अ टन ऑफ लाइक समहाउ 8 to 9 हमारे पास इस गाड़ी के अंदर हमारे पास एयर बैग मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे पास ABS ब्रेक्स हैं, 4-wheel drive है, दिस इज अ रफ एंड टफ मशीन और टोयोटा पराडो इज ऑल टाइम फार बेटर देन इन माई पर्सनल ओपिनियन, इट्स फार बेटर देन any of the Fortuner, any model. So now let's move on to the back seats. Back seat में वही हमारे पास ambient lights दरवाजे में मौजूद है, sill plates I think aftermarket इस गाड़ी के अंदर लगाई गई है, सेंटर में 2 AC vents मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास 12-volt की socket मौजूद है, उसके साथ साथ हमारे पास 60-40 split के साथ हमारी seats आती हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये इसका फुल बैक पॉस्चर है, सेंटर में हमारे पास हमारा आर्म रेस्ट भी मौजूद है। नाउ हेयर इज द 2 cup holders इस गाड़ी के अंदर हमारे पास आर्मरेस्ट में मौजूद है। अब अगर गाड़ी की बूट स्पेस की तरफ देखते चलें तो हेयर कम्स द 2 more interesting features, हेयर इज द थिंग, यहाँ पे हमारे पास एक बटन मौजूद है, इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये जो ऊपर हमारी विंड स्क्रीन है, रियर विंड स्क्रीन, वो ओपन हो जाती है। सो नाउ अगर आप किसी टाइट स्पेस में है जहाँ पे आप पूरी डिग्गी नहीं खोल सकते, बिकॉज इस पूरी डिग्गी को खोलने का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, ये गाड़ी की डिग्गी ऊपर की तरफ नहीं खुलती, ये बाहर की तरफ इस तरीके से खुलती है। सो इफ़ यू हैव नो स्पेस या टाइट स्पेस है और आप पूरी डिग्गी नहीं खोल सकते, सो यू कैन जस्ट टर्न ऑन द विंड स्क्रीन और एक्सेस द बूट स्पेस, और आप इसमें से कोई भी चीज़ निकालना चाहते हैं आप वो निकाल सकते हैं। इसको खोलने का मैकेनिज्म एक और भी है, अगर आप देखें तो चाबी में हमारे पास टेल गेट का बटन दिया गया है, टेल गेट से ये पूरा तो नहीं खुलता, बट टेल गेट से अगर कोई चीज़ खुलती है तो वो बेसिकली इसका यही ऊपर वाला लैच है या ऊपर वाली विंड स्क्रीन है, और अगर आप इसकी पूरी डिग्गी ओपन करना चाहते हैं तो यू कैन टर्न ऑन या ओपन द ट्रंक लाइक दिस। उसके साथ साथ अगर देखते चलें तो दिस कार इज़ अ 7-seater model और इस गाड़ी के अंदर हमारे पास आप देख सकते हैं 7-seater seats आती हैं, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे लैच है, कुछ TX में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक भी आती हैं, अगेन वही चीज़ है सम हाउ ऑप्शनल काइंड ऑफ थिंग। और अगर हम देखें, अगर मुझे इसको ओपन करना है तो मैं इसको ओपन करूँगा एंड देन हेयर इज़ द थिंग, नाउ वी हैव ऑल द 7 seats ओपनड और हमारे पास यहाँ पे इतनी किस्म की जो हमारी बूट स्पेस है वो बकाया बचती है। अगर आप देखें तो इस दरवाजे के अंदर आपको बड़े सारे ना सूटकेस से नज़र आते हैं, देखते हैं इनको ओपन करके कि इनके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर अगर हम देखते चलें तो एस एच आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको रखने की स्पेस मौजूद है। उसके साथ साथ अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे एक जादुई चीज़ मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ, इसके अंदर हमारे पास हमारा जैक पाना और रॉड वगैरह तमाम तर चीज़ें इस गाड़ी की यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर आप गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या आपको टायर रिप्लेस करना पड़ जाए सो यू कैन ओपन दिस और बाकी जो सा आपका टायर है वो नीचे होता है उसको आप ओपन करके, इस चीज़ को ओपन करके तो वो आप चेंज कर सकते हैं। आप अगर इस गाड़ी के इंजन स्पेक्स की बात करते चलें तो दिस कार कम्स विद 2 TR 2.7 liter इनलाइन 4-cylinder इंजन जो कि बेसिकली 163 horsepower प्रोड्यूस करता है एंड 240 around Nm टॉर्क, जो कि इस गाड़ी को थोड़ा सा स्लगिश बना देता है 4000cc वाली से, बट ये गाड़ी इतनी हमारे पास हॉर्स पावर टॉर्क फिगर प्रोड्यूस कर देती है कि गाड़ी के लिए ये आपको कहीं से अंडर पावर नहीं फील होती, बट दिस कार फील्स अ लिटिल बिट स्लगिश। आप अगर इस गाड़ी के एक्सटीरियर की बात करते चलें सो दिस कार कम्स विद, हम अगर हेडलाइट्स की बात करें, प्रोजेक्टर सेटअप, DRLs, हैलोजन हाई बीम्स मौजूद है, या हमारे साइड टर्न सिग्नल, लैंड क्रूजर सम हाउ ये आफ्टर मार्केट है। इधर अगर देखते चलें तो हमारे पास बड़ी काफ़ी बल्की सी हमारे पास हमारी फ्रंट ग्रिल मौजूद है। उसके साथ साथ अगर बॉडी किट की तरफ देखते चलें तो सम हाउ इस गाड़ी के अंदर बॉडी किट एक्सटेंडेड बॉडी किट भी लगी हुई है, साइड पे हमारे पास नीचे हमारे पास हैलोजन फॉग लाइट्स भी मौजूद हैं। साइड की तरफ मूव करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर जो अलॉय रिम्स हैं वो फैक्ट्री फिटेड 17 inch के अलॉय रिम्स हैं, 235/65 R17 के अलॉय रिम्स और पिरेली के टायर्स हैं, ब्रांड न्यू टायर्स हैं गाड़ी के अंदर, अभी आप देख सकते हैं ट्रेड भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। साइड पर अगर देखते चलें फुटस्टेप है, बहुत बड़ा सा साइड मिरर है, उसके साथ साथ ये जो आप देख सकते हैं क्रोम, ये आफ्टर मार्केट है। उसके साथ साथ ऊपर रूफ रेल्स मौजूद हैं। साइड पूरी की बात करते चलें
वेरी बिग वेरी रफ एंड टफ कार। ऊपर हमारे पास हमारा थर्ड ब्रेक लाइट मौजूद है, उसके साथ साथ स्पॉइलर मौजूद है, उसके साथ साथ अगर हम नीचे देखते चले तो लैंड क्रूजर प्राडो की बैजिंग, उसके साथ साथ नीचे रियर फॉग लाइट काइंड ऑफ, और पीछे डुअल, तो मेरे पास डुअल एग्जॉस्ट तो नहीं आते बट ये बॉडी किट की वजह से काफी बल्कि सी फील इस गाड़ी को बैक साइड से भी मिल जाती है। सो बॉयज अब इस गाड़ी की डिटेल्स की बात करते चले, सो दिस इज अ 2012 मॉडल कार, 2012 का मॉडल है, 2017 इम्पोर्ट है, 2018 की रजिस्टर्ड है, 4.5 ग्रेड की गाड़ी है, जेन्युइनली 71,000 किलोमीटर ड्रिवन है, काफी लोडेड गाड़ी है, एम्बिएंट लाइट्स भी हैं और काफी और सारे फीचर्स भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। दिस कार इज अप फॉर सेल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और इस गाड़ी की जो डिमांडेड प्राइस है वो है 1,70,00,000 रुपए। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, फर्दर डिटेल्स आपको स्क्रीन पे कॉन्टेक्ट करें, आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। सुबह ये था आज का रिव्यू, होपफुली आपको पसंद आया होगा। एनर्जी थोड़ी लो थी क्योंकि जरा भाई की तबीयत थोड़ी सी डाउन है 3-4 दिनों से। बेसिकली इस गाड़ी का रिव्यू भी डिले जो हुआ है 3-4 दिन, वो बेसिकली मेरी तबीयत की वजह से डिले हुआ है। होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, और भाई को बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।